दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों बारिश और सर्दी के मौसम में लोगों को जुकाम, बुखार और वायरल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। इस मौसम में खान पान और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बरसात के दौरान फ्लू इन्फेक्शन समेत पेट से जुड़ी बीमारियां भी ज़्यादा फैलती हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए अगर आप हेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। शरीर से जुड़ी कई गंभीर परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सौंठ और मिश्री का एक साथ सेवन फायदेमंद माना जाता है। इसका एक साथ सेवन करने से पेट और पाचन से लेकर कई गंभीर परेशानियों में फ़ायदा मिलता है। सौंठ में मौजूद औषधीय गुण शरीर को कई परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि सौंठ का इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। दोस्तों सौंठ एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसे अदरक को सुखाकर बनाया जाता है। जोड़ों के दर्द को कम करने से लेकर गले में खराश, इन्फेक्शन और जुखाम, पेट में गैस और अपच आदि से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। सौंठ के साथ धागे वाली मिश्री का सेवन करने से आपको कई बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। दोस्तों सौंठ और मिश्री का मिश्रण आयुर्वेद में पुराने समय से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इस मिश्रण का सेवन करने से पेट शांत रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिलती है। दोस्तों आइए जानते हैं सौंठ और मिश्री का एक साथ खाने के फायदों के बारे में। नंबर एक, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर आपको कई गंभीर संक्रमणों का खतरा रहता है। सौंठ और मिश्री का एक साथ सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। रोज़ सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर दो, पाचन तंत्र को बनाए मजबूत। खान पान में गड़बड़ी और ख़राब जीवन शैली की वजह से पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। पाचन तंत्र कमज़ोर होने पर आपको कई गंभीर परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से सौंठ और मिश्री का सेवन करना चाहिए। रोज़ सुबह खाली पेट एक चम्मच सौंठ और एक चम्मच मिश्री का गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर तीन, भूख न लगने की समस्या में फ़ायदेमंद। ऐसे लोग जिन्हें भूख कम लगती हैं उनके लिए सौंठ और मिश्री किसी औषधि से कम नहीं है। नियमित रूप से सौंठ और मिश्री का सेवन करने से आपको भूख न लगने की समस्या में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा वजन बढ़ाने के लिए भी इस मिश्रण का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। नंबर चार, सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद। सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन की समस्या बदलते मौसम में आम होती हैं। इस मौसम में इन्फेक्शन से बचने के लिए और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने के लिए सौंठ और मिश्री का एक साथ सेवन करें। सुबह के समय गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच सौंठ और एक चम्मच मिश्री का सेवन करने से फ़ायदा मिलेगा। नंबर पाँच, खांसी और कफ में फ़ायदेमंद। खांसी और कफ की समस्या में भी सौंठ और मिश्री का सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। इसके लिए आप एक चम्मच शहद के साथ एक चम्मच सौंठ और एक चम्मच मिश्री का सेवन करें। दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करने से फ़ायदा मिलेगा। सौंठ और मिश्री का मिश्रण आयुर्वेद में कई समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और बीमारियों का खतरा कम होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।